अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग टिकटॉक को यूट्यूब के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं और इसको कैसे अनलिंक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सब कुछ इस वीडियो में आप लोग ने वीडियो को एंड तक वॉच कर देना है और वीडियो का एक स्टेप भी मिस नहीं करना है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप लोग ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल बुजुर्ग को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। इसके बाद दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे आते हैं टिकटॉक एप्लीकेशन पर। टिकटॉक एप्लीकेशन को आप लोग ने ओपन कर देना है। जी बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टिकटॉक को ओपन कर दिया। टिकटॉक को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग को नीचे प्रोफाइल वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ने सिंपली अपने प्रोफाइल पर आना है। प्रोफाइल पर जैसे आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आप लोग के साथ यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पहले से यूट्यूब को टिकटॉक के साथ लिंक कर दिया है। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं। अब इसको आप लोग ने इसको अनलिंक कैसे कर देना है और फिर इसके बाद दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोग को गाइड कर देता हूँ कि आप लोग ने इसको फिर से कैसे लिंक कर देना है। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आते हैं, आप लोग ने यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग के साथ बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है सोशल। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग अपना इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो भी यहाँ पर आप लोग लिंक कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो यूट्यूब चैनल है तो वो भी आप लोग यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर यूट्यूब का जो चैनल है वो यहाँ पर लिंक कर दिया है। अब इसको आप लोग ने कैसे अनलिंक कर देना है, तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ने अपने यूट्यूब चैनल पर क्लिक कर देना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं टेक्निकल अबुजर, मैंने यहाँ पर इस नेम पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अनलिंक यूट्यूब। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ने कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो आप लोग का जो यूट्यूब चैनल है वो यहाँ से अनलिंक हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग ने देख लिया कि मैंने यहाँ पर आप लोग को रिफ्रेश कर दिया और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो YouTube चैनल था वो यहाँ से चला गया है। इसका मतलब ये है कि आप लोग ने अपना YouTube चैनल को अनलिंक कर दिया। अभी इसको आप लोग ने फिर से लिंक कैसे कर देना है, तो आप लोग ने यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग ने YouTube पर क्लिक कर देना है। YouTube पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग के साथ थोड़ा सा लोड करेगा और फिर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोग की जितने भी जीमेल अकाउंट्स है तो वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप लोग ने वही जीमेल अकाउंट को सेलेक्ट कर देना है जिस पर आप लोग का यूट्यूब चैनल बना हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ने थोड़ा सा वेट कर देना है। मैं यहाँ पर अपना जीमेल अकाउंट सेलेक्ट कर देता हूँ। जीमेल अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग के साथ थोड़ा सा लोड करेगा और फिर इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोग का जो यूट्यूब चैनल है वो टिकटॉक के साथ लिंक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोग को जो मेरा टिकटॉक प्रोफाइल है वो रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पर लिंक हो गया है या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टिकटॉक प्रोफाइल जो है रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो यूट्यूब चैनल था वो यहाँ पर लिंक हो चुका है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप लोग अपना यूट्यूब चैनल को टिकटॉक के साथ लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग के साथ और कोई भी मसला हो तो आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी रब्ता कर सकते हैं। मैंने आप लोग को दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।